आज की वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरीके से आप अपना $100 पर डे का जो टारगेट है ऑर्गेनिकली फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिकबैंक ऑफर। सो एज यू हैव ऑलरेडी सीन द टाइटल, आज हम लोग बात करने वाले हैं YouTube शॉर्ट्स के लिए। तो YouTube शॉर्ट्स में हम किस तरीके से पूरी वीडियो क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के थ्रू वीडियो डाउनलोड करेंगे और क्या स्टेप है जिससे आप अपने $100 पर डे अचीव कर सकोगे, वो लाइव प्रैक्टिकल आज मैं बताऊंगा। सो गाइज, माय नेम इज वरुण जायसवाल, आई एम द फाउंडर ऑफ marketingbounce.com, इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एफिलिएट मार्केटर टू। विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे, हम लोग नो क्लिकबैंक पे और रेगुलरली काम करते हैं। दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव डन फ्रॉम दिस ऑफर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ $100 से हम लोग ने समहाउ अराउंड $700 अप्रॉक्सीमेटली वीकली कवर करा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हम लोग वापस अपना मार्केटिंग प्लेस पे आएंगे जो हमारा क्लिकबैंक का है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑफर निकाला, जैसे मैंने एक सर्च करा है, दैट इज कैट्स। डॉग्स पे भी सर्च कर सकते हो, कैट पे भी सर्च कर सकते हो। ये जो टेक्निक है जो मैं बताने वाला हूँ, आप किसी भी चीज पे आप यूज कर सकते हो ऑर्गेनिकली। आप आराम से, मैं तो कह रहा हूँ, मोर देन $100 भी अर्न करोगे। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑफर सेलेक्ट किया, इज अ ब्रांड न्यू कैट लैंग्वेज बाइबल एंड हाउ टू फाइनल। तो ये $20 पर डे का अपना ये कन्वर्जन है अगर ये बिकता है। तो मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट आने के बाद अपना पूरा लैंडिंग पेज देखा, क्या क्या चीजें, सारी चीजें पढ़ी और फिर मैं रेडी हो गया। क्यों मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मैं अपने कस्टमर को मैं क्या बताना चाहता हूँ, उन वीडियोस पे क्या लिखना चाहता हूँ। जब आप ये पूरा अपने अपने पर्टिकुलरली जो कैंपेन है, जो आप प्रमोट करने वाले ऑफर, उसको पढ़ लोगे, आपको क्या करना है, आप आओगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे यू विल सर्च एज योर प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैट से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे सर्च किया फनी कैट्स। जैसे मैंने फनी कैट सर्च किया, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल्टर का। फिल्टर में ऑप्शन होता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होता है, आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैंने जैसे ही कॉपीराइट यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे करा, तो यहाँ पे मेरे पर बहुत सारी कैट्स के रिलेटेड वीडियोज आ गई। हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर साइज की वीडियो ही डाउनलोड करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने साइज को देखा, ये सारी शॉर्ट्स वीडियो है और यहाँ पे इस वीडियो को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। बेसिकली जो इसका साइज होता है, सब 1920x1080 का ये साइज होता है, जो हम इंस्टाग्राम रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए यूज करते हैं। हमें शॉर्ट्स के करना है। अभी आजकल यूट्यूब में ये एक चीज बहुत अच्छी ट्रेंड चल रही है, जो शॉर्ट्स होता है उसको व्यूज बहुत 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 ज्यादा मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ आया और कोई भी आप वीडियो ले सकते हो, दो आप डायरेक्टली भी वीडियोस ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग इधर उधर से टिकटॉक से कॉपी करके डालते हैं, बट आप म्यूजिक उसको चेंज कर देना तो कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। तो मैं एक स्टेप और फॉरवर्ड लेके आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के बारे में बता रहा हूँ। इधर से आप वीडियोस लोगे तो ज्यादा इजीएस्ट में चांसेस बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो जाते हैं कि आपको किसी भी तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो कॉपीराइट इशू का। तो यहाँ पे आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो डाउनलोड करने का भी अब मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, आई क्लिक ऑन दिस वीडियो, मैंने इस वीडियो पे क्लिक करा। आपको क्या करना है, आपको इसके आगे, बस इस पर्टिकुलर वीडियो के आगे यहाँ पे SS लगा देना है। YouTube आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने डाला SS और मैंने एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर करा, इट विल टेक मी टू द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। आपका काम आसान हो जाएगा, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आपके पास आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। जैसे ही आपने वीडियो रेडी कर ली, ये पर्टिकुलर वीडियो आपने रेडी कर ली, आपको क्या करना है, आपको चलना है आपके चैनल पे, यहाँ पे पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल कैनवा पे। मैंने कैनवा पे थोड़ा सा वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, मैं चाहता था कि एवरीथिंग मैं सारी चीज़ें सेट कर दूं। अगर आपको कैनवा का ट्यूटोरियल नहीं पता किस तरीके से कैनवा पे आपको पिक्चर्स बनानी है, वीडियो एडिट करनी है, मैं भी क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह नहीं बता सकता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल बना रखा है। कैनवा की मेरी अच्छी सीरीज है, आपको काम भी करेगी अगर फ्रीलांसर हो तो। ऊपर आई बटन का लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो एडिटिंग इमेज को पूरा कैनवा में बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो, जो भी आप डाउनलोड करोगे, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी ये वीडियो। यहाँ पे मेरे पास अपलोडेड वीडियो है, अगर आप देखोगे, मैं इसको दिखाता हूँ, इस वीडियो को, ये मैंने एक वीडियो अपलोड करी, ऐसे ही मैंने डाउनलोड करा था एक फनी वीडियो और यहाँ पे मैंने कर दिया। अब इस वीडियो में मैंने क्या किया, मैं अभी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक लोगो लगाया, लोगो मैंने यहाँ पे कैट लोगो सर्च किया तो मैंने कैट लोगो यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉन्टेंट लिख दिया, इधर मैंने लेके Learn how to communicate with your cat, special Japanese trick।
और लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने क्या लिखा, आप कम्युनिकेट करना सीख जाओगे अपने कैट से, एक स्पेशल जापानीज ट्रिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर चेक करना। ये लिख के मैंने इस वीडियो को बनाया, तो अब मैंने ये वीडियो मेरी रेडी हो चुकी है और मैंने इस वीडियो को अपना डाउनलोड कर दिया। आप म्यूजिक भी यहाँ पे दे सकते हैं, इस पर्टिकुलर इसमें लॉट ऑफ म्यूजिक आर ऑलरेडी देयर, आप उस म्यूजिक अच्छा सा म्यूजिक इस पर ऐड कर सकते हैं। अब लोग इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कैट को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, कोई जापानीज ट्रिक है, चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उस डिस्क्रिप्शन पे लिंक में क्लिक होने के चांसेस, जिसे कहते हैं बेट करना, कोई ऐसा चीज बताना लोगों को क्लिक होने का एक ऑप्शन देना चाहिए। तो मैंने ये पूरी वीडियो बनाई विद लोगो एंड बहुत अच्छा इसमें सारी चीजें नजर आ रही है। इस तरीके से आपको एक कैनवा पे वीडियो बना लेनी है, फिर आपको क्या करना है, आपको अपना चैनल क्रिएट करना है नया। अगर आपका नया चैनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आपको ना लगातार कैट्स के ऊपर वीडियो, अगर ये ऑफर बना रहे हो ना, एक रील से काम नहीं होएगा, आपको 10 15 20 30 40 थोड़ी सी ना वीडियोस क्या करना है, एवरीडे 4-5 रील निकाल डाउनलोड करके ऐसे अपलोड करना है। तो अब आपको स्पेसिफिकली अब बहुत सारी रील्स कैट्स के ऊपर, अगर ये ऑफर अच्छे लेवल पर प्रमोट करना चाहते हो, आपको इसमें अपलोड करनी होगी। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया, आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आपके मोबाइल है ये सारा काम आप मोबाइल से कर सकते हो, कैनवा मोबाइल पे भी बहुत अच्छा चलता है, डाउनलोड कर लो और मोबाइल पे ही आप ना यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर दो। मेरे पास ऑप्शन अभी लैपटॉप पे, मैंने लैपटॉप पे गया, मैंने यहाँ पे अपना चैनल पे यहाँ पे गया, ऊपर एक ऑप्शन आता है, जब आप देखोगे ऊपर टॉप में अपलोड का ऑप्शन आ गया, जब आप वीडियो पे अपलोड पे क्लिक करोगे, आप अपलोड कर दोगे यहाँ पे, और ये मेरी एनी हाउ ये वीडियो शायद मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है इसी तरीके से, ये आप देखोगे ये मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आती है गेम की आपकी वीडियो कैसे रैंक करेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने रैंक के ऊपर आपको कैसे यूट्यूब की वीडियोज को शॉर्ट्स को टॉप पे रैंक करवाना है उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई है, इसमें मैक्सिमम मैंने कवर किया हुआ है, ऊपर आई बटन का लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर चेक करना कि किस तरीके से कोई भी वीडियो को बिल्कुल वायरल किया जाता है और रैंक किया जाता है, तो जरूर देखना। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस पहले इस पर्टिकुलर वीडियो पे लिखा ये रेसिंग कैट के नाम से, थोड़ा सा फनी एक्टिविटी मैंने डाल दिया, फिर मैंने यहाँ लिखा फनी कैट वीडियोज एंड कैट्स, यहाँ पे मैंने एक टाइटल दिया क्योंकि हमने शॉर्ट्स में देखा कि शॉर्ट में जब तक लिखोगे नहीं क्या चीज के ऊपर है लोग ज्यादा टाइम लगाते, तो मैंने ये सिर्फ हल्का सा टाइटल दे दिया। अब आपको क्या करना होता है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको कीवर्ड फाइंड आउट करने में कैसे लिखा है मैंने टाइटल, आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल यूट्यूब पे आओ, फनी कैट, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी फनी कैट वीडियो, फनी कैट वीडियो डॉग्स एंड ऑल दिस, ये मेरे पास ऑलरेडी सम ऑफ द कीवर्ड्स आ जाते हैं। अगर आपको कीवर्ड फाइंड करने में दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, YouTube Keywords Tool, keyword.io का बड़ा अच्छा टूल है, वो भी आप सर्च कर सकते हो, उसमें आपको कुछ नहीं करना, ये रहा keyword.io, इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सर्च करना फनी कैट्स, आपको ऑलरेडी ये बहुत सारे कीवर्ड्स दे देगा, उसमें से कुछ कीवर्ड्स निकाल के आप टाइटल में यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आने के बाद आपने टाइटल बनाया, डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं बहुत बार शॉर्ट्स में क्या करते हैं, किसी ने पढ़ना नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से वीडियोस को रैंक करते हैं। यहाँ से आप देखना, यहाँ पे आपको फनी कैट सर्च करना, आपको जितने भी कीवर्ड्स मिलते हैं कोशिश करना, ज़्यादा नहीं कम से कम अराउंड कुछ 50 वर्ड्स का यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देना, यहाँ पे फनी कैट वीडियोस, ये सारी चीज़ें कवर हो। इससे क्या होता है, यहाँ पे बूस्ट मिलता है और रैंकिंग में आपको हेल्प मिलती है। और आप एक और चीज करना है, यहाँ पे कुछ ना हैशटैग्स लगा देना, जैसे कैट्स, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये देखो कैट्स इधर आएगा, फिर आपने यहाँ पे हैशटैग फिर लगाया, फिर अगर कैट से सर्च करोगे कैट्स ऑफ इंस्टाग्राम, कैट्सग्राम, यहाँ पे कैट्स ऑफ टिकटॉक, कैट शॉर्ट्स, ये रहा 82 वीडियोस में कैट शॉर्ट्स है। इस तरीके से ज्यादा नहीं, 4-5 आपको यहाँ पे हैशटैग लगा देना है। तो आपको तीन चीजें मैंने बताई, अच्छा सा टाइटल, दूसरा आपको 50-60 वर्ड्स का यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे 4-5 आपको हैशटैग्स लगाने हैं। ये सब कुछ लगाने के बाद आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन, एक और चीज यहाँ पे जो सबसे मेन है, यहाँ पे सबसे पहले इन सारी चीजों से पहले आपको यहाँ पे लिंक जरूर देना है, आपको इधर लिंक ऐड कर देना है, इन यहाँ पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन जो हमने बोला है, आपको अपना ये जो पर्टिकुलर लिंक है जहां से हमारे पास सेल होने वाली है, दिस पर्टिकुलर लिंक जो आपको मिलेगा प्रमोट करते वक्त, जब आप एफिलिएट लिंक बनाएंगे, व्हेन यू क्लिक आप अपना निकनेम डालेंगे और आईडी डालेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकनेम बनाना है,
क्लिकबैंक में अकाउंट बनाना है, ऊपर आई बटन का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंडिया में क्लिकबैंक का अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बट कुछ चीजों को याद रखना होता है, वो आप वीडियो देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपने यहाँ पे लिंक बनाया, अपना क्रिएट हॉपलिंक करा, हॉपलिंक जैसे ही क्रिएट हो जाएगा वो लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे डालना है, सबसे ऊपर ही लगा दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर लगता है। तो आपने जैसे ही ऊपर लगाया अपना लिंक और अपना आपका काम आधा डन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया, नीचे उसको लिंक मिल जाएगा, वो क्लिक करेगा आपके पर्टिकुलर सेल्स पेज पे जाएगा। सेल्स पेज पे जाने के बाद ये इतना ब्यूटीफुल सेल्स पेज है, मुझे लगता है ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप खुद देखोगे यहाँ पे सेल्स पेज है, वो अपने आप ही सेल्स पेज को पढ़ेगा और कस्टमर को लगता है अगर ये चीज़ बढ़िया है तो इसको खरीद लेगा। तो दिस हाउ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स यू कैन ईजिली मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी विच आई हैव ऑलरेडी डन। ये मैंने थोड़ा सा काम कर लिया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा चीज़ें बताई जाए। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी पार्ट समझ आया हो, इंटरेस्ट लगाओ, मेक श्योर वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।